हेयर एट रांची वॉर सिमेट्री एंड बहुत मेहनत की गई है इस वीडियो पे, इस व्लॉग पे, एंड आगे आप जिस तरह से जाएंगे आपको बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ें जानने का मौका मिलेगा एंड हैज़ बीन टेकन अ लॉट ऑफ डेज टू यू नो टेक द परमिशन एंड टू विजिट हेयर. सो प्लीज़ गाइज वॉच दिस व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर पॉजिटिव रिव्यूज. सो गाइज आप देख सकते हैं कि हम लोग सिमेट्री के अंदर एंटर कर रहे हैं एंड यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि कोविड बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है ड्यूरिंग द लास्ट ईयर. सो यहाँ पे बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे बिफोर गोइंग टू द वॉर सिमेट्री. लाइक यू नीड टू वियर द मास्क कंपल्सरी. विदाउट मास्क यू आर नॉट गेटिंग एंट्री टू दिस सिमेट्री एंड यू नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू कैन सी सैनिटाइजर इज ऑल्सो हेयर. देख रही है ये 1942 के टाइम का बना हुआ है. गाइज बिफोर एंट्रिंग टू द वर्ल्ड वॉर टू सिमेट्री मैं आपको एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस सिमेट्री. लाइक हाउ दिस सिमेट्री गॉट कंस्ट्रक्टेड एंड किस तरह से जो सिमेट्री है यहाँ पे बना एंड क्या रीजंस थे एंड कौन से सोल्जर्स हैं जो यहाँ पे मार्टिर हैं एंड लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. सो जब फॉल ऑफ रंगून हुआ मार्च 1942 में तो जापानी सोल्जर जो हैं ऐसा माना जाता था कि जो है जापानी सोल्जर हैं वो पूरे बर्मा को ऑक्यूपाई कर लेंगे एंड इसके वजह से जो है इंडिया को एक ग्रेव थ्रेट मिलने लगा. लाइक यू नो अगर जापानी सोल्जर जो है पूरे बर्मा को ऑक्यूपाई कर लेते तो ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन थ्रेट टू इंडिया ऑल्सो. सो दैट्स वाई यू नो देयर वेयर ओनली 7 डिविजन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो लेटर ऑन क्या हुआ कि मई 1942 में 5 फर्दर डिविजन्स जो है इंडिया आए फॉलोड बाई 2 मोर इन जून 1942 ओनली. एंड जो है उसी टाइम जो है सिमेट्री कंस्ट्रक्शन हुआ था 1942 में, जून 1942 में. एंड ये जो सिमेट्री है 1945 जब तक वर्ल्ड वॉर चला था तब तक के लिए यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर सोल्जर्स के लिए. ऑल्सो क्या हुआ था कि जो 200 ग्रेव्स है फ्रॉम डिफरेंट सिमेट्रीज जो है आसपास के सिमेट्रीज जहाँ पे सोल्जर्स जो है डिसीज सोल्जर्स थे लाइक वर्ल्ड वॉर टू के टाइम के सोल्जर्स थे तो उनका भी जो ग्रेव है लेटर ऑन शिफ्ट कर दिया गया इस सिमेट्री में. तो आज के टाइम में टोटल ऑल ओवर 704 कॉमनवेल्थ सर्विस मैन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्यूरीड और कॉमेमोरेटेड इन दिस सिमेट्री. अगर ऑल ओवर इंडिया की तो ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे टोटल 10 कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेट्री है एंड दे आर बेसिकली हेडक्वार्टर फ्रॉम यूके एंड इट इज़ बीइंग मेंटेन्ड एंड यू नो जो भी इनका काम है जो बेसिकली है दिल्ली से चलता है एंड यहाँ पे कोलकाता में भी एक मैनेजेरियल एरिया है जहाँ से इनकी सारी चीज़ें कंट्रोल होती है लाइक
रिगार्डिंग द इक्विपमेंट्स, जिस तरह से यहाँ पे फूलों को मेंटेन करना है, किस तरह से अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर रूल यहाँ पे जो फ्लावर्स एंड ऑल पर उसके डेकोरेशन होंगे। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द क्रॉस ऑफ सेक्रीफाइस, जैसा कि मैंने पढ़ा था CWGC के वेबसाइट पे। एंड दिस इज द मॉन्यूमेंट क्रिएटेड इन द मिडल ऑफ द सिमेट्री, द सेंटर ऑफ द सिमेट्री। Gardener is doing things with the flowers and someone is watering the plants. So guys, they are working so hard, like yahan pe, you know, a very less number of people comes to see the cemetery. That is the concern, that is the reason I am making this video. So in spite of less number of visitors, they are, you know, doing their work very quietly and, you know, very efficiently. जिस तरह से सिमेट्रीज को मेंटेन किया गया है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू सी दैट एवरी फ्लावर ऑन द ग्रेव इज लाइवली। सो गाइस, दिस इज रोहित एंड ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिमेट्री। It's not mean to talk as per the instructions. So, you know, I was talking about the age. So it ranges from, you know, 18 years aged soldier to 69 years aged soldier. Sacrificing history. As you can see, this taller age 23. Their family members all over the world comes here to see their people, to meet the people. It is KS Sundara Raj Indian Regiment Artillery. From other cemeteries, its architecture is a bit of different. Name of Captain RGC.
Major Captain RGC Talmage RE. 6th December 1945. So, Captain, it's good to see. So, you know, whatever the architectures, you know, on some gates, you might be seeing some quotes up, quote, water gates, you know, the quotes take down. Basically, they have been made by their people. Like, it's a beautiful quote here. Hearts that loved him will never forget. A.L. Cooper is 38. So heartwarming quote. I will never forget you, Mom. So it has been made, written by her daughter. So the reason for making this video is कि बहुत लोग नहीं जानते हैं आज भी इस प्लेस के बारे में. लाइक इट इज़ अ पीसफुल प्लेस, वेरी पीसफुल एनवायरमेंट अराउंड हियर. अ लॉट ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्स टू विजिट दिस प्लेस टू पे द ट्रिब्यूट to their own people. So this place in its own is a matter of national as well as international importance, and is thus being treated in the same way. So guys, it has already been evening and we are leaving from here, and it's time to say bye. These beautiful ones. So do not forget to share that what is the most beautiful thing that you liked about this video, and also do not forget to subscribe and share your beautiful reviews there. Thank you very much.